हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MP43 अंसारी पे। तो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना आज का मोटो व्लॉग शूट, जो अभी हम फिलहाल शूट कर रहे हैं एक ब्रिज पर से। तो दोस्तों, अभी हम यहां से ब्रिज पे घूमने के बाद जाएंगे रतलाम में पोलो ग्राउंड में लगे एक मेले में, और वहाँ पर एक आर्टिफिशियल जू भी लगा है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम थोड़ा सा बस इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा और यहाँ पर मौसम और अंधेरा हो जाए, और रात का थोड़ा समय हो जब मेले में जाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर भी हम अभी आपको ऐसे घुमाते रहेंगे, और अगला हमारा वीडियो होगा तुरंत मेले का। तो दोस्तों, अभी हम वापस से ब्रिज के ऊपर घूमने के बाद हम जाएंगे महू रोड की तरफ, और वहां से आपको अंबेडकर जी की प्रतिमा दिखाएंगे जो कि रतलाम के कोट चौराहे पर लगी है। और वहीं से राइट टर्न लेने के बाद हम जाएंगे पोलो ग्राउंड, और पोलो ग्राउंड में लगा है मेला जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फाइनली कोट चौराहे पर, और यहाँ पर छतरी पुल के चौराहे पर लगी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा। अब हम दोस्तों यहाँ से राइट टर्न लेकर सीधा जाएंगे पोलो ग्राउंड की तरफ, जो हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको आज मेला दिखाने वाले हैं। तो हम यहाँ अपने दोस्त के पास कुछ देर रुक कर आपको सीधा थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद ले जाएंगे मेले की तरफ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, रात हो चुकी है और हम अब निकल पड़े हैं मेले की तरफ, और हम आप यहाँ फिर आपको लेके जाएंगे रतलाम में जो जू पार्क एक मेला लगा है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, हमारे लेफ्ट साइड पर जो पोलो ग्राउंड है उसके पास में जो जगह खाली है वहाँ पर लगा ये मेला। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर गेट देख रहे हैं, ये है इस मेले का एंट्री गेट, मतलब इसके पास में से ही। और अब हम अंदर जाकर आपको इस मेले का दृश्य दिखाते हैं। तो ये आ चुके हैं हम मेले के बाहर। यहाँ पर आपको एक भैया मिलेंगे, वो आपसे 20 रुपये लेंगे गाड़ी पार्क करने के लिए, और अंदर जाने के लिए भी आपको मेले के लिए 20 रुपये का टिकट अलग से लेना पड़ेगा। तो चलते हैं गाड़ी पार्क करने के बाद दोस्तों मेले के अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों, मेले में एंटर होते ही आपको सीधे राइट साइड पर आपके दिखेगा एक जिराफ, और उसके बाद अंदर यहाँ पर बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके स्टैचू रखे हैं, और कुछ डोमेस्टिक एनिमल के भी यहाँ पर स्टैचू रखे हुए हैं। और ये है हल्क, हल्क भाई साहब भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सारी फोटोज क्लिक करवाने के बाद बच्चे गए हिरन के परिवार की तरफ, और यहाँ देखिए पूरा परिवार और खड़ा कर दिया है शेर के पास। यहाँ देखिए शेर और उसके मुंह में उसका बच्चा, और बहुत ही खूबसूरत स्टैच्यू। जू पार्क के बीच में रखा है एक बहुत ही बड़ा डायनासोर।
तो जू पार्क घूमने के बाद हम लोग गए मेले के अंदर, जहाँ लगी है बच्चों के खिलौनों की दुकान और ज्वेलरी की शॉप की, और यहाँ पर कुछ खान पीन की दुकान जो हर तरह के मेलों में होती है वैसी शॉप्स यहाँ पर लगी है। और ये खेल भी हर तरह के मेले में लगता है कि रिंग फेंको और अपनी किस्मत आजमाओ, लेकिन अफसोस ये भाई सफल नहीं हुए जो ये गेम खेल रहे थे। और इंटरेस्टिंग गेम, यहाँ पर आपको एक फुटबॉल से सारे ग्लास ज़मीन पर गिराने हैं। देखते हैं यहाँ पर कोई भाई लोग सफल होते हैं या नहीं। जब तक हम इस खेल को देखते रहे, कोई भी भाई इनाम नहीं जीत पाया और कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। और अब हम निकल चुके हैं मेले से बाहर, लेकिन हमने सोचा कि जाते जाते मेले का बैकग्राउंड से भी एक अच्छा सा व्यू लिया जाए। जो आप देख सकते हैं ये व्यू जो मेले का बैक साइड से, और अब हम चलते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।